बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बाद पार्टी के एक और विधायक ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है। जी, असम से बीजेपी विधायक शीलादित्य देव ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बचाव किया और नाथूराम गोडसे को असली देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को सलाम करता हूं क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली है। भारत में बहुत कम लोग हैं जो सच बोल सकते हैं। असम से बीजेपी विधायक ने कहा कि भारत में बहुत कम लोग हैं जो सच बोल सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि धर्म के आधार पर कोई देश का विभाजन करेगा तो उसे उनके मृत शरीर से होकर गुजरना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीलादित्य देव ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी एक विवादित राजनेता थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए जो किया वह सही नहीं था, इसीलिए कोई भी सही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करेगा।